हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक गेहूं से सूखा चारा बनाने वाली मशीन, जो गेहूं को सूखने के बाद जब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद जो बच जाता है सूखा, उसकी तूड़ी बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो तूड़ी को हम मोस्टली एनिमल फीड बोल सकते हैं, ड्राई सूखा चारा। तो ये सूखा चारा बनाने की मशीन है। इसमें अब ये जो आगे आपको ये जो दिख रहा है ये वाला, ये इसका इसको जबड़ा बोलते हैं, इनपुट। इससे से ये जो गेहूँ आपको दिख रहा है नीचे, इसका इनपुट होता है इससे, यहाँ से। जब ये इसकी ब्लेडें होती हैं, ये ऐसे लेफ्ट राइट घूमती हैं और इसके अंदर से कट के और इसके आगे चला जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इसका ये आपका ये पूरा व्यू ले देख सकते हैं। तो अब इसी मशीन में साथ में इंजन भी है ड्राइव करने के लिए। जैसे इसको मशीन को यहाँ से वहाँ कहीं लेके जाना हो तो आप इसी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसमें इंजन लगा हुआ है और ड्राइवर के बैठने के लिए ये जगह है, सीट दिखाई दे रही है आपको। अभी ये ऐसे खड़ी है, अभी इसका काम हो चुका है। तो जब इसका काम चल रहा होगा तब मैं आपको एक वीडियो और बना के दिखाऊंगा। और इसमें ये इसका ये डीजल टैंक है, इसमें इतना डीजल एक बार में आ जाता है। तो ये आई थिंक ये होगा 150-200 लीटर का होगा शायद। तो ये इतना बड़ा टैंक है इसका। और ये पीछे से जब ये प्रोसेस करती है तो उसके बाद ये जो आपको ये इसका ये वाला पोर्शन दिख रहा है, लाइक ए पाइप, मेटल पाइप, इसके थ्रू वो पीछे बारीक होके इस ट्रॉली में आ जाता है। तो इसमें ट्रॉली में जब वो इकट्ठा हो जाता है तो भर जाती है, तब उसके बाद इसको खाली कर दिया जाता है। और जब वो चारा इसमें सूखा हुआ वो चारा जब इसमें आता है तो ये इसके ऊपर ये जाली लगी हुई आप देख सकते हैं। तो इस जाली में से वो जो बारीक जो पीस के आता है, उसका बुरादा जो होता है पाउडर, वो हवा के थ्रू इसके जाली से निकल जाता है। तो जिसके कारण उसको आप एज इट इज़ अपने एनिमल्स को डाल सकते हैं। और इसमें अगर ये जब गेहूं निकालते हैं तो गेहूं निकालने की एक मशीन अलग और होती है जिसे कंबाइन बोलते हैं, वो सारा काम कंबाइंड रूप में एक साथ कर देती है, इसलिए उसको कंबाइन बोलते हैं। तो उसके निकालने के बाद ये इतना ऊपर से वो इतना ऊपर से छोड़ देती है, करीब करीब ये लगाओ 9 से 10 इंच ऊपर से लेती है, काटती है, इसे नीचे जगह छोड़ देती है। तो इतना बचा हुआ ये काम इस मशीन का बचता है। तो ये जब करती है तो जब इसके नीचे ये प्रोसेस होके आता है तो इसमें सूखा चारा तो पीछे ट्रॉली में इस मेटल वाले टैंक में चला जाता है, और जो गेहूं होते हैं वो इसके एक पीछे पीछे जब ये गेहूं निकालती है तो सूखा चारा तो निकल जाता है, और इसमें जो ये गेहूं वगैरह होते हैं थोड़ा और जो अनाज बच जाता है, जो कंबाइन सही से नहीं निकाल पाती, वो थोड़ा बचा हुआ इसके नीचे देखो, ये टैंक दिख रहा है, ये इस टैंक में वो आ जाता है। ये इसके नीचे छोटा टैंक है, ये वाला, इसके अंदर ये जाली लगी हुई है, आप ये जाली देख सकते हैं। तो इस जाली के थ्रू फिल्टर हो गया, अनाज नीचे आ जाता है और जो सूखा चारा होता है वो आपका पीछे ट्रॉली में चला जाता है। और ये जो मैंने आपको दिखाया था, इसमें जैसे ड्राइवर इसी को खुद को हैंडल करता है जब चला रहे होते हैं, तो इंजन इसी में होता है। तो इसकी ऊंचाई काफ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी भी बोल सकते हो, इसकी हाइट ज़्यादा होने के कारण इसमें थोड़ी ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जो आप ये देख रहे हैं इधर, ये तो इनसे होके वो ड्राइवर जाता है। तो वो फिर बाद में अपना काम करता है, और उसके बाद
जब लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है ड्राइवर को, तो इससे वो बोरियत भी हो जाती है ऐसा काम कंटिन्यू एक इंजन की आवाज़ में। इंजन की आवाज़ आपको पता है कि बोर करने वाली होती है कंटिन्यूस जब आप सफ़र करते हो, तो ये आपने खूब अच्छी तरीके से नोटिस किया होगा। तो इसके बोरियत से बचने के लिए काम करने वाला बेचारा अपने थोड़े बोरियत से बचने के लिए थोड़ा मनोरंजन हो जाए, इसके लिए स्पीकर वगैरह लगा के रखता है सॉन्ग सुनने के लिए। तो ये जो आप ऊपर ये जो दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक वो वाला, ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये वाले इसके स्पीकर हैं म्यूजिक सुनने के लिए। और वो जो आप जो देख रहे हैं ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला इसका म्यूजिक सिस्टम है। तो यहाँ से आपको मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव जो भी डालना हो फ़ोन से, आजकल तो फ़ोन से चला लेते हैं, जो भी आपको डालना हो तो आप उससे चला सकते हो। और इसको जब ड्राइवर इसको हैंडल करता है, तो इसमें हैंडल करने के लिए गियर वगैरह लगे हुए होते हैं। तो इसमें ये जो आप देख रहे होते हैं ये जो देख रहे हैं मैन ये होते हैं इसको आगे पीछे करने के लिए इंजन के हैंडल के, जैसे हमें कहीं ट्रैवल करके जाना होता है तो उसके लिए होते हैं। और ये जो आप ये छोटे छोटे देख रहे होते हैं ये आप आगे इसके जबड़े को हैंडल करने के लिए होते हैं, जैसे इसको कभी ऊंचा और कभी नीचा करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। और जब हम इसमें काम कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय में होने वाला काम है, थोड़ी देर में होता नहीं। तो इसके लिए आपको इसको मशीन को लेकर कहीं घूमना ना पड़े, तो इसके कारण इसमें डीजल टैंक के साथ साथ आप इसमें दो तीन प्लास्टिक के टैंक और रखे होते हैं जिनको हम कैन भी बोल सकते हैं, तो उनमें डीजल भरा हुआ रखा जाता है ताकि जब आपको आवश्यकता पड़े तो आप अंदर डाल सकें, ताकि आपको बीच में कहीं न जाना पड़े डीजल के लिए और आपका बीच में काम न रुके। इसलिए ये फ्यूल के जो एक्स्ट्रा टैंक जो रखते हैं ये कभी कभी काम आ जाते हैं। तो ये इसका इंजन रहा, और अब मैंने इसको आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो मैं इसकी वीडियो और बनाऊंगा कंबाइन की, और इसका भी यानो दूसरा वर्जन होता है ये सूखा चारा बनाने वाली मशीन का, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। काम चल रहा होगा तब काम की, और अदरवाइज ऐसे होगी खाली तो आपको वैसे बना दूंगा।